वेलकम टू द चैनल फोर्ड जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन किसी भी जॉब्स या पोस्ट पर अप्लाई किया है और टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल वही क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी यानी इस्लामिक जीके के डिस्कस होंगे जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, गजवा बदर अकर्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 2 हिजरी, यानी जो गजवा बदर हुआ था 2 हिजरी को हुआ था। गजवा बदर में मुसलमानों की तादाद थी 313, कफार की 1000 के लगभग, लेकिन मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। 14 साहबा कराम सिर्फ शहीद हुए थे, लेकिन कफार की बात करें तो 70 मारे गए थे, 70 पकड़े गए थे, बाकी सब भाग गए थे। अगर बात करें 3 हिजरी में, तो 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था, 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था। अगर बात करें 5 हिजरी को, तो 5 हिजरी में गजवा अहजाब या गजवा खंदक हुआ था, 5 हिजरी में गजवा खंदक या गजवा अहजाब हुआ था। अगर बात करें 8 हिजरी की, तो 8 हिजरी में कॉन्क्वेस्ट मक्का यानी फतह मक्का हुआ था 8 हिजरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीरियड ऑफ खलीफा, यानी हजरत अबू बकर सदीक कितने साल खलीफा रहे। तो हजरत अबू बकर सदीक पहले खलीफा थे और उनकी मुद्दत थी 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर सदीक खलीफा रहे। अगर बात करें दूसरे खलीफा की, तो वो थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनका जो पीरियड है 10 साल 5 मंथ और 21 दिन, 10 साल 5 मंथ और 21 दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। अगर बात करें तीसरे खलीफा की, तो तीसरे खलीफा थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफा थे और उनकी मुद्दत है चार साल और नौ महीने। टोटल 4 खलीफा थे और उनकी टोटल मुद्दत की बात करें तकरीबन 30 साल बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजेडी ऑफ कर्बला टुक प्लेस इन, तो ये मतलब है जो कर्बला का वाकया हुआ था, ये 61 यानी 61 हिजरी को कर्बला का वाकया हुआ था। अगर 6 हिजरी की बात करें, तो सुलह हदीबिया का जो सुलह हदीबिया का वाकया हुआ था, वो 6 हिजरी को यानी 6 हिजरी को हुआ था सुलह हदीबिया का वाकया। अगर बात करें 9 हिजरी को, तो 9 हिजरी में गजवा तबूक हुआ था, 9 हिजरी में गजवा तबूक हुआ था, और जो हज है वो भी 9 हिजरी को मतलब फर्ज हुई थी। हज 9 हिजरी को फतह हुई, दूसरा फर्ज हुई, हज 9 हिजरी को फर्ज हुई, और गजवा तबूक भी 9 हिजरी में, जो गजवा तबूक जंग थी वो भी 9 हिजरी में लड़ी गई। अगर बात करें 1 हिजरी की, तो 1 हिजरी में जो मस्जिद नबवी थी उसकी तामीर मुकम्मल हुई, और इसके अलावा जुमा का आगाज भी 1 हिजरी को हुआ, और गजवा जो अबवा एक जंग थी वो भी मतलब 1 हिजरी में लड़ी गई, और अजान का आगाज भी 1 हिजरी को ही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, तो इसका राइट आंसर है हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी हजूर पासलम की टोटल 4 बेटियां थी, और दूसरी बेटी पूछ रहे हैं, तो दूसरी बेटी थी दूसरे नंबर पर, वो थी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर पहले नंबर की बात करें, तो पहले नंबर पर थी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरे नंबर पर हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और तीसरे नंबर पर बात करें तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अगर चौथे नंबर पर बात करें तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप लोगों ने याद रखना, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान, यानी कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है, तो वो है सूरत यासीन। सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। अगर बात करें रमजान मुबारक की, तो जो रमजान मुबारक के जो पहले 10 दिन होते हैं उन्हें बोला जाता है अशरे रहमत, अशरे रहमत कहा जाता है रमजान के पहले 10 दिन को, और दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरे मगफरत। दूसरे 10 दिन को रमजान का जो महीना होता है, दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरे मगफरत, और तीसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरे निजात नारे जहन्नम, यानी निजाते जहन्नम, अशरा निजाते जहन्नम कहा जाता है तीसरे अशरे को। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूरह ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स, यानी हरूफ मुक्ताद की कुरान मजीद में मतलब कितनी सूरतें हैं, हरूफ मुक्ताद कितने हैं, तो वह हैं 29, यानी 29 हरूफ मुक्ताद हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 286, तो सबसे जो बड़ी सूरत है कुरान मजीद की वो है सूरत अल बकरा, और सूरत अल बकरा की जो आयात है वो है 286। अगर बात करें यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो आखिरी कुरान मजीद के जो टोटल मतलब के सिपारे हैं वो है 30, और आखिरी सिपारे में कितनी सूरतें हैं, आखिरी सिपारे में 37 सूरतें हैं, टोटल 114 सूरतें हैं, लेकिन आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं 37 यानी 37 सूरतें हैं आखिरी पारे में। अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है 32, तो कुरान मजीद में जो जकात का जो मतलब के जकात का बताया गया है कि जकात अदा की जाए, तो वो 32 मरतबा सिर्फ जकात का कहा गया है। नमाज के साथ भी जकात का है, लेकिन वो ज्यादा दफा है, लेकिन सिर्फ जकात का कहा गया 32
मर्तबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम अलैहिस्सलाम इस काल, यानी आदम अलैहिस्सलाम क्या कहलाते हैं या आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अबुल बशर भी कहते हैं और सफीउल्लाह भी कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहते हैं और सफीउल्लाह भी कहते हैं। अगर बात की जाए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजीउल्लाह भी कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजीउल्लाह भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ सैफुल्ला, तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सैफुल्ला का लकब मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खलीलुल्लाह भी कहा जाता है और जद्द अंबिया भी कहा जाता है और अबंबिया भी अंबिया भी कहा जाता है और इमामुल नास भी कहा जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, जद्द अंबिया, अबुल अंबिया और इमामुल नास कहा जाता है। अगर बात करें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब भी कहा जाता है और जबीउल्लाह भी कहा जाता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट बात करें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खतीबुल अंबिया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। अगर बात करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करें, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है रूहुल्लाह, रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूरह आर विद नेम ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कितनी सूरतें हैं कुरान मजीद में जो मतलब के जिन पे मतलब के प्रॉफिट्स यानी जो प्रॉफिट्स के नाम पर हैं, तो वो हैं छह सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम पर हैं, छह सूरतें हैं जिस जो अंबिया कराम के नाम पर हैं। तो यहाँ पे चार लिखा हुआ है, तो चार मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो चार मरतबा कुरान मजीद में आया है, चार मरतबा। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार ही मरतबा मतलब के उमरा किया है, चार मरतबा उमरा किया है और एक मरतबा हज किया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अंबिया कराम पे जो सूरतें हैं छह हैं और हजरत सल्लम का नाम कितनी दफा है, चार मरतबा कुरान मजीद में आया है और कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार मरतबा ही मतलब कि उमरा का फरीजा अंजाम मतलब सारा अंजाम दिया है और एक मतलब के हज किया है, जो बड़ी हज जिसे बोलते हैं, एक बड़ी हज की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज कॉल्ड अरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान, तो इसका राइट आंसर सूरत रहमान, सूरत रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है। तो सूरह यासिन को आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेड ऑफ कुरान कहा जाता है। तो सूरत फातिहा पहली सूरत है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अभी तरतीब है कुरान मजीद की उसके हिसाब से फातिहा मतलब पहली सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज मंथ, यानी जो इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि जो पहली वही और दूसरी वही के बीच में कितना मतलब कि अरसा गुजरा था, तो वो ऐसा अरसा गुजरा था 2 साल 6 महीने, पहली वही के बाद 2 साल 6 महीनों के बाद दूसरी वही नाजल हुई थी। अगर बात की जाए पहली वही में सिर्फ 5 आयात थी, पहली वही में 5 आयात थी और पहली वही की जो सूरत है वह है सूरतुल अलक, सूरतुल अलक मतलब में 5 सूरत मतलब आयातें हैं और पहली वही में यानी 5 मतलब के आयात थी। अगर बात की जाए तो वो गुसल की, तो गुसल के 3 फर्ज हैं, गुसल के 3 फर्ज हैं और जो वजू के 4 फर्ज हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना, गुसल के 3 फर्ज और वजू के 4 फर्ज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, तो जो फर्स्ट पिलर इस्लाम का वो है कलमा तैयबा और दूसरा पिलर सलात और तीसरा जकात और चौथा पांचवा जो है हज एंड सोम यानी हज और रोजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी, तो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या नाम है, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल। और जो हदीस की 6 किताबें जिसको साहसिता भी कहा जाता है, हदीस की 6 किताबें जिसको साहसिता भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे मतलब के जो इमाम बुखारी पहले नंबर पर मतलब के और दूसरे नंबर पर इमाम मुस्लिम, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तो सबसे ज्यादा जो हदीस है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लिखी है और अबू हुरैरा का दूसरा मतलब एक नाम है अब्दुर रहमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह ऑफ कुरान करीम हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस सूरत में, किस कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफा आई है, तो वह है सूरतुल नमल, सूरतुल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है और सूरतुल तौबा में 1 मरतबा भी नहीं है। सूरतुल नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है और सूरतुल तौबा में 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं है। तो अगर बात किया यासीन सूरत, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि यासीन को हेड ऑफ कुरान यानी कुरान का दिल कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद किबलतन एजन, यानी जो मस्जिद किबलतन है ये कहां पे वाक्य है, तो ये मदीना में वाक्य है। मस्जिद किबलतन कहां पे वाक्य है, मदीना में वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे थोड़े से मदम है लेकिन आप लोगों को मैं सही तरह बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मतलब एक मसला नहीं बनेगा, तो आप लोगों ने सिर्फ सुनना है और साथ साथ याद करते जाना है। तो द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के पहले शायर कौन थे, तो उनका नाम है हजरत हसन बिन साबत। हजरत हसन बिन साबत इस्लाम के पहले शायर थे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं मतलब क्वेश्चन से ही आपके टेस्ट में सारे एमसीक्यूज आने हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसीडर्स इज एन अनपार्डनेबल, यानी कुरान करीम मद्देनजर में से किसको नाकाबले माफी गुना करार दिया गया है, तो कुरान मजीद में जो शिरक है इसको नाकाबले माफी गुना करार दिया गया, शिरक को नाकाबले माफी गुना करार दिया गया शिरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरफात गैदरिंग इज हेल्ड इन, यानी अरफात का इजमा डैश को होता है, तो अरफात का इजमा ये नौ जिल हज को होता है, नौ जिल हज को गैदरिंग होती है अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के पहली तहरीरी आईन का नाम बताएं, तो वो था मिसाके मदीना, यानी दुनिया का पहला तहरीरी आईन मतलब था मिसाके मदीना, ये आप लोगों ने याद रखना है, और ये रिटन मतलब एक फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द किबला चेंज, यानी किबला कब चेंज हुआ, तो दो हिजरी में किबला चेंज हुआ, दो हिजरी में किबला चेंज हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर ऑफ सारो, तो ये किस साल को गम का साल कहा जाता है, तो वो दस नबवी को। वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि दस नबवी को हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हजरत पाक सल्लम की पहली बीवी थी, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी वफात हुई थी, और हजरत अबू तालब जो कि हजरत पाक सल्लम के चाचा थे उनकी वफात हुई थी दस नबवी को, तो इसलिए दस नबवी को गम का साल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैमल विच द हॉली प्रॉफ सल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी हिजरत मदीना के वक्त हजूर पाक सल्लम जिस ऊंट पर सवार थे उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कसवा, कसवा उसका नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हाउ हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम, यानी उस शख्स का नाम था जिसका घर तबलीगी इस्लाम का मरकज बना, तो सी ऑप्शन इज राइट, हजरत अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो घर था वो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुकू आर इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने रुकू हैं, तो कुरान पाक में 558 रुकू हैं, लेकिन कहीं जगह पे 540 भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना, या 540 ऑप्शन में होगा या 558 होगा, और जो आयात हैं वो है 6666, कुरान मजीद में जो कितनी आयात हैं 6666। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मक्की सूरत ऑफ द होली कुरान आर देयर, यानी कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं, तो वह हैं 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान वास डिसेंडेड, यानी कुरान पाक का नजूल हुआ तो 22 साल और 5 मंथ, यानी तकरीबन 23 साल बनता है, वहां पे तकरीबन 23 साल भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन 22 साल और 5 मंथ, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट मतलब के साल याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजदलफा इज सिचुएटेड, यानी जो मुजदलफा कहां पे वाक्य है, तो मुजदलफा वाक्य है बिटवीन मीना एंड अरफात, मुजदलफा बिटवीन मीना एंड अरफात, मीना और अरफात के दरमियान मुजदलफा वाक्य है, बिटवीन मीना एंड अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गोल्ड वलकरम निसाब, यानी सोने पर कितना निसाब, यानी जकात का या उशर का, जो सोने पर जकात का यानी सोने पर कितना निसाब है, तो ये मतलब है कि 7.5 तोला, 7.5 तोला सोने पर निसाब है, और अगर चांदी की बात की जाए तो 52.5 तोला, 52.5 तोला चांदी पर निसाब है। और जो जिन मतलब लोगों को जकात दी जा सकती है वो कुरान मजीद में बताया गया, तो वो 8 ऐसे लोग हैं जिसमें गरीब मसकीन मुसाफर मतलब 8 कैटेगरीज के लोगों को मतलब जकात दी जा सकती है, तो 7.5 तोला सोने पर है, 52.5 तोला चांदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलातुल इस्तस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेशन, यानी जो नमाज इस्तस्का है ये किस मौके पर पढ़ी जाती है, तो शॉर्टेज रेन यानी मतलब के रेन यानी बारिश के लिए मतलब पढ़ी जाती है नमाज इस्तस्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान, कुरान पाक में अंबिया का जिक्र है आया है, तो अंबिया का जिक्र जो है वो 26 मरतबा आया है, मतलब कुरान पाक में जो अंबिया का जिक्र है 26 मतलब के अंबिया ऐसे हैं जिनका जिक्र 26 अंबिया कराम का जिक्र कुरान मजीद में आया है, और सबसे ज्यादा किसका है, हजरत मूसा अलैहि सलाम का, और कितनी दफा आया, 135 दफा, सबसे ज्यादा मूसा अलैहि सलाम का कितना, 135 दफा, और कुरान मजीद में कितने अंबिया, 26 अंबिया का जिक्र आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयत होली कुरान इज कॉल्ड सरदारुल आयत, यानी कुरान पाक की कौन सी आयत को सरदारुल आयत कहा जाता है, तो वो है आयतल कुर्सी, यानी आयतल कुर्सी को सरदारुल कुरान कहा जाता है, और ये पारा नंबर 3 में है और सूरह बकरा में है, ये भी आप लोग याद रखना, सूरह आयतल कुर्सी कहां पे है,
पारा नंबर 3 में है और सूरत कौन सी है, सूरत बकरा, जो कि सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयत है सूरत बकरा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड डैश पीरियड, यानी इस्लामी दुनिया की पहली मर्दमशुमारी की मुदत है, तो मतलब है कि पहले जो इस्लाम की मर्दमशुमारी किसने कराई, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कराई थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही मर्दमशुमारी कराई, जो पुलिस का निज़ाम भी हजरत उमर के दौर में शुरू हुआ था, पुलिस का निज़ाम भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेड द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द प्रॉफिट, यानी रसूल पाक सल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई, तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई थी और 17 नमाजें पढ़ाई थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, यानी नबी अलैहि सलाम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी हैं, तो वो हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बगैर हजूर पाक सल्लम को बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला, लेकिन मतलब सहाबी उसको कहते हैं जिसने हजूर पाक सल्लम ने ईमान की हालत में इस्लाम को कबूल करने के बाद जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है उसको सहाबी कहते हैं, लेकिन एक ऐसे सहाबी हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसको बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइडल नेम इन काबा वाज, यानी काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था, तो वो था हबल, और काबा में 360 बुत थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुल मामूर इज ऑन हीवन, तो बैतुल मामूर पर कौन से आसमान पर है, तो बैतुल मामूर 7th आसमान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट उमैया खलीफा, तो पहले उमवी खलीफा, यानी पहले जो उमैया के खलीफा थे उनका क्या नाम है, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले उमवी खलीफा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, तो यरमूक की जो जंग थी मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई, तो रोमन्स के मतलब खिलाफ लड़ी गई, रोमन के दरमियान, मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान जंग यरमूक लड़ी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन अलॉन्ग विद द असाबे कहफ, यानी सूरत कहफ में असाबे कहफ के साथ किस एनिमल का जिक्र है, तो वो है डॉग, यानी कुत्ता, कुत्ते का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह सेज वाइज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह, यानी अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट, सूरत अहज़ाब में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टार्टेड इन सूरह, यानी मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सूरत में किस सूरत में बयान किया गया है, तो सूरत अल फतह में बयान किया गया है, सूरत अल फतह में बयान किया गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, यानी हज में हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है, तो वो इस्तलाम कहलाता है, इस्तलाम कहलाता है हज में हजरे अस्वद को छूना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, तो किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, तो फलस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, तो उनका आपस में रिश्ता था ब्रदर्स का, यानी भाई का रिश्ता था हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का, आपस में ब्रदर्स यानी भाई का रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट प्रॉफिट द जबूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, जबूर अल्लाह ने किस नबी पर नाजल की, तो जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, जो जबूर है ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, और जो तुरात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जो अंजील है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोबारा बता देता हूँ, जो जबूर है ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, जो तुरात है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील जो बुक है वो नाजल हुई। टोटल 4 किताबें नाजल हुई आसमानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान कौन थे, तो उनका नाम है हजरत, उनका नाम है ए ऑप्शन राइट, अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन द रिसीव्ड द रिवेलेशन ऑफ द कुरान मुहम्मद, यानी इन जब इन पर कुरान का नज़ूल हुआ, तो मतलब एक हजरत मोहम्मद सल्लम पर कब, मतलब कि जब कुरान मजीद का नजूल मतलब कि शुरू हुआ, तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लम की उम्र कितनी थी, तो वाज अबाउट 40 ईयर ओल्ड, यानी 40 साल उम्र थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह कंटेन्स द ऑर्डर्स
अबाउट वुजू गुसल एंड तयम्मम, यानी वुजू गुसल एंड तयम्मम के अहकाम किस सूरत में है, तो सूरत अल माईदा में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। तो वुजू गुसल और तयम्मम के अहकाम किस सूरत में है, सूरत अल माईदा में। तो वुजू का तो आप लोगों को पता होगा, गुसल का भी पता है, लेकिन जो तयम्मम है इसका मतलब यह होता है कि मिसाल के तौर पर पानी आपके नजदीक नहीं है, यानी पानी आपके से काफी दूर है, तो आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तयम्मम कर सकते हैं। मतलब एक गुसल के तरीका भी होता है तयम्मम का और वुजू का भी, मिसाल को मिट्टी से या रेत वगैरह से तयम्मम किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इस काल, यानी हज में जो कोहे सफा और कोहे मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को कहते हैं, तो सही कहते हैं, सही, ऐसे वाई डब्ल्यू सही, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज स्टोनिंग द डेविल इस काल, यानी हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं, तो रमी कहते हैं, हज में शैतान को संसार करने को कहते हैं, रमी कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।